नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज खेतीबाड़ी में आपका साथी संदीप जाखड़। किसान साथियों, आज के वीडियो में हमने विषय रखा है बाग में सूक्ष्म तत्व का महत्व। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ है मनसा मार्केटिंग कंपनी के प्रतिनिधि, जिनसे हम जानेंगे बाग के अंदर सूक्ष्म तत्व के महत्व के बारे में। सबसे पहले अपने बारे में बताएँ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सोनू पारिक मनसा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधि हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाग के अंदर सूक्ष्म तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रन जो 6 एलिमेंट्स आता है उनका क्या महत्व है, उनके हमें अगर नहीं डालेंगे तो क्या नुकसान होगा और डालने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और यानी सूक्ष्म तत्व जो 6 तत्व होते हैं उनका क्या महत्व है, क्या तत्व क्या कार्य करता है, इसके ऊपर प्रकाश डालकर थोड़ा सा विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सूक्ष्म तत्वों में जैसे पहला तत्व आता है लोहा यानी आयरन। उसका रोल होता है हीमोग्लोबिन बनाने में और पौधे को हरा भरा रखकर हीमोग्लोबिन बनाकर हरित लवक प्रण हरित बनाने में उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद मैग्नीज तत्व आता है, उसका योगदान रहता है कि क्लोरोफिल बनाए रखने में पौधे में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है मैग्नीज, जिससे पौधे में हरापन रहता है। और उसके बाद हम बात करें मेन तत्व की, जिससे बोरोन तत्व कैल्शियम और पोटास का समन्वय बनाए रहने का अनुपात बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बोरोन की कमी होने पर पौधे में फलों के गिरने की समस्या भी आती है, छोटी छोटी जैसे भी फल गिरेगा तो उसके जहां टहनी से जुड़ा हुआ होता है वो हिस्सा सूखना स्टार्ट हो जाता है, उसके कारण वो ड्रॉप हो जाता है यानी उनका अनुबंध बीच में से टूट जाता है बोरोन की कमी के कारण। और उसके बाद बात करें तो तांबे की, तांबा पौधों में फफूंद जनित कवक जनित बीमारियों को रोकता है और विटामिन ए बनाने का भी काम करता है। और इसके बाद बात करें मोलिब्डेनम की, मोलिब्डेनम पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मुख्य रूप से कार्य करता है, शर्करा निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। करते हैं छठे पोषक सूक्ष्म तत्व की, जिंक की। जिंक पौधों में प्रजनन क्षमता बनाए रखने में सहायक है, विभिन्न प्रकार के एसिड बनाने में भी जिंक का महत्वपूर्ण योगदान है। जिंक की कमी होने पर पौधे में जल की कमी आ जाती है, यानी जल को बनाए रखने के लिए पौधे में जिंक की बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहता है। सूक्ष्म तत्वों को डालने से हमारे पौधा पूरा हरा भरा रहेगा, हमें उपज भी अच्छी प्राप्त होगी। इन सूक्ष्म तत्वों को डालने से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर भी दे रहे हैं, इनको ये पचाने में यानी इनको पौधे द्वारा ऑब्जर्व करने में भी सहायता प्रदान करते हैं, ये एक सहायक का काम भी करते हैं। ये अगर ये तत्वों की कमी आती है तो दूसरे तत्वों का समन्वय भी बिगड़ जाता है आपस में, इसलिए इन सूक्ष्म तत्वों को डालना बहुत हमारे लिए लाभकारी रहता है। हमें समझना चाहिए कि इनका क्या महत्व है, इनको देख कर हमें डालना चाहिए जिससे हमारी उपज बढ़ सके। तो किसान साथियों, ये थे मनसा मार्केटिंग कंपनी के प्रतिनिधि सोनू पारिक जी। और किसान साथियों, अगले वीडियो में हम विषय रखेंगे फ्रूट तोड़ने के बाद खाद के प्रबंधन के बारे में। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।